प्रिय विद्यार्थियों, कल हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान कल आपको पढ़ाया था। आज दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ाएंगे। अरावली पर्वत श्रेणी को भी चार उपविभागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश या अलवर पहाड़ियाँ, दूसरा मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस प्रदेश को दो उपविभागों में भी बांटा गया है। प्रथम शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ, द्वितीय मेरवाड़ पहाड़ियाँ, तीसरा मेवाड़ पहाड़ियाँ या भोराट का पठार, चौथा आबूखंड। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह संसार की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक पर्वतीय श्रेणी है। यह एक अपशिष्ट पर्वतमाला भी कहलाती है। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ही राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। राजस्थान में यह पर्वत श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा गांव से शुरू होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां बाबाई, खो, रघुनाथगढ़, तारागढ़, शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर हैं। इस पर्वत श्रृंखला का पहला उपविभाग उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश या अलवर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतीय प्रदेश फाइलाइट व क्वार्ट्ज चट्टानों से बना हुआ है। इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना तथा खेतड़ी तहसीलों तक पाई जाती हैं। इस पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां अलवर में बैराज 792 मीटर ऊंची, जयपुर में बैराट 704 मीटर ऊंची, खेतड़ी तहसील में बाबाई 780 मीटर ऊंची, सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। दूसरा उपविभाग मध्य अरावली, इस प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। इसका पश्चिम में विस्तार सांभर बेसिन तक, उत्तर में अलवर की पहाड़ियाँ, पूर्व में कारोली उच्च भूमि और दक्षिण में बनास तक विस्तार है। इस पर्वत श्रृंखला को दो उपविभागों में बांटा गया है। प्रथम शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ, यह प्रदेश बालू की पहाड़ियाँ व निम्न गर्तों के रूप में परिलक्षित है। इसका विस्तार सांभर झील से शुरू होकर खेतड़ी तहसील के सिंघाना तक विस्तृत है। इसकी प्रमुख चोटियाँ पुराना घाट, नहारगढ़, आड़ी डूंगरी और तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं। इसका दूसरा विभाग मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती हैं। इसका मुख्यतः विस्तार अजमेर ज़िले के निकटवर्ती भागों में ही है। इसका उच्चतम शिखर तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। इसी प्रदेश में आनासागर झील भी है।
तीसरा उपविभाग मेवाड़ की पहाड़ियाँ, इसे भोराट के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों तक विस्तृत है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से, उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ मुड़ने से दक्षिण पश्चिमी दिशा तक चली जाती है। यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच पठार के रूप में विस्तृत श्रेणी है, जिसे स्थानीय भाषा में भोराट के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख चोटियां गोगुंदा 840 मीटर ऊंची, सायरा 950 मीटर ऊंची, कोटड़ा 450 मीटर व जरगा पर्वत 1223 मीटर ऊंचा है। चतुर्थ उपविभाग आबूखंड, यह पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वतीय प्रदेश है। इसका निर्माण क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार 19 किलोमीटर लंबा वे 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इस प्रदेश में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, यह राजस्थान के माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी दूसरी प्रमुख चोटी शेर है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तीसरी प्रमुख श्रेणी अचलगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। इसके अलावा दिलवाड़ा व अन्य पर्वत चोटियाँ भी पाई जाती हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ पश्चिमी और उत्तरी पार्श्वों में अति पर्वतीय ढाल के कारण प्रमुख रूप से जाना जाता है। इस प्रदेश में पर्वत स्कंदों और उनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व और दक्षिण का धरातल काफ़ी छिन्न भिन्न है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य चट्टानों के विशालतम खंड हैं, जो पहाड़ी के शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। आबू पर्वतीय प्रदेश में आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र भी सम्मिलित है, जहाँ की प्रमुख पर्वतीय श्रेणी दोरा पर्वत है, जो 869 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में रानीवाड़ा उच्च प्रदेश वृक्षहीन अनावृत प्रदेश के रूप में भी विस्तृत है। सिवान ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रख्यात पर्वत श्रेणी में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तृत जालोर पर्वत क्षेत्र के रोजा भाकर 730 मीटर ऊंचा है, इसराना भाकर 839 मीटर ऊंचा है एवं झारोल पहाड़ 588 मीटर ऊंचा है। तो ये अपना आज का जो दूसरा भौतिक प्रदेश था, अरावली पर्वत श्रेणी, आपको पढ़ाया।
कल आपको राजस्थान का तीसरा जो भौतिक प्रदेश है